लक्ष्मण बाग शमशान घाट में युवक की हत्या से फैली सनसनी, पेट्रोल डालकर लगाई गई आग। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में हत्या की सनसनीखेज वारदात किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। हत्या 35 से 40 वर्षीय युवक की हुई, जिसका आग से जला हुआ शव शमशान घाट में पड़ा मिला। पुलिस को मौके में मृतक की बाइक समेत पेट्रोल से भरा हुआ डिब्बा मिला है। एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतक की पहचान कर ली गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस को मौके से मिली बाइक नंबर के आधार पर मृतक की पहचान सिटी कोतवाली निवासी अनिल कुमार सोनी के रूप में की गई है। घटना की जानकारी लोगों को आज उस वक्त हुई जब शमशान घाट में लोग अस्थि कलश लेने पहुंचे थे, तभी वहां जली हुई लाश देखी गई। मृतक के कई अंगों को कुत्ते के द्वारा नोचा भी गया है, साथ ही मृतक के शरीर पर चोट के भी निशान भी पाए गए हैं। एफएसएल टीम द्वारा किए गए मौका आने के बाद प्रथम दृष्टिया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। माना जा रहा है कि मृतक को सुनसान जगह पर स्थित शमशान घाट में लाकर पहले तो मारपीट की गई, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाया गया है। हालांकि युवक की हत्या के पीछे किसका हाथ है और कारण क्या है, यह अभी अज्ञात बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। घटना हुई है, ये जो मृतक है कौन है आपके? ये हमारा भतीजा है। ये कब निकले थे घर से? ये घर से निकले थे परसों। क्या परसों काम करते हैं, क्या लग रहा है आपको? ये दुकान की है नेहरू नगर में, चांदी सोने काम करते हैं, जुड़ाई तंगुड़ाई वाला। नेहरू नगर में कहाँ पे? नेहरू नगर पे उत्तर मोटर्स के आगे। घर में इनका कैसा संबंध है घर वालों से? घर वालों से अच्छा संबंध है। क्या मानते हैं, क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? हमारे को समझ में नहीं आता ना किसी चीज़ की दुश्मनी ना कुछ। बहुत साफ सुथरा लड़का था पूरे घर के अंदर। शादी भी नहीं हुई है जी। हाँ, अभी एक हमको सूचना मिली करीब 6 बजे के आसपास कि अपना जो है लक्ष्मण बाग के पास मुक्ति धाम है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है अधजली अवस्था मिली हुई है, जिसको काफ़ी 2 से 3 घंटे लग गए जिसको शनाख्त करने में। तो अनिल सोनी पिता सुरेश सोनी के रूप में उसकी शनाख्त हुई है और संदेहात्मक समझ में आ रही है, और ये जो भी है तो जाँच के बाद पता चलेगा कि क्या है घटना एक्चुअल पे। पेट्रोल की बोतल और एक मोटरसाइकिल मिली। हाँ, पेट्रोल की बोतल और जो मिली है तो एक्चुअल पर क्या मिक्स है, वो पूरा ना प्योर पेट्रोल है और ना ही वो डीजल समझ में आ रहा है। और घटना स्थल जो एक 5 लीटर के बोतल के ढक्कन मिला हुआ है वो संदेहात्मक है, कहीं वो उसको लेके फेंक दिया गया है और पता तलाश कर रहे हैं। अगर जानकारी में मिलता है कि एक्चुअल पर उसको डाला गया है तो सुधार पर जाँच होगी और आपको बताया जाएगा कैसा क्या है। परिजनों ने कुछ बताया किसी को दुश्मनी वगैरह? नहीं, परिजनों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये बताया कि 2-3 दिन से ये घर नहीं आया है और उसकी माँ के द्वारा बताया गया है कि अभी कल रात से भी ये कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया है और कोई संदेह भी नहीं जता रहे हैं अभी, क्योंकि पुलिस का काम है तहकीकात करना, तो उस आधार पर जाँच जरूर करेगी। हमें संदेहात्मक तो लग रहा है। क्या प्रतीत होगा सर, ये पेट्रोल डाल के जलाया गया? हाँ, चूँकि वहाँ माचिस मिली है और पेट्रोल डीजल मिला हुआ है पास में, उस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ घटना जो है संदेहात्मक है।